है, क्या वो जीत पाएंगे? मेरे को लगता नहीं है। बीआरसी 1000 ने हेड्रॉक्स को टॉक करके फिनिश ऑफ कर दिया। ओ, लेकिन उनके टीममेट ने ट्रेड कर दिया। राजवीर आ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। काफी डेंजरस है, डैमेज जरूर होगा और यहाँ पे लेकिन पूरी तरीके से बच गए, लेकिन फिर भी 50 का डैमेज हुआ। और देखना यह क्या वहां से बीआरसी और जो ये राजे ठाकुर निकल पाएंगे। और एक को डाउन किया बीआरसी ने, फिर से रश किया है। कोशिश यही रहेगी इनकी कि कोई भी इनका मेंबर डाउन ना हो, बैक टू बैक नॉक करते जा रहे हैं। एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक किया और यहाँ पे एक लास्ट मेंबर जो बचा है वो पूरा पूरा सर्वाइव करने का सोचेगा। और वो टीम नंबर जानबाज को यहाँ पे कर दिया एलिमिनेट और फिर से दिखा दिया कि हाँ नवाब जादे नंबर 9 को यहाँ पर डैमेज मिल रहा है भारी। वेल ओनली भाई के क्रॉसेस के अंदर डीएम आ चुकी है। ओ लेकिन घर के अंदर नेट पड़ा और दो लोग नॉकआउट, एक और जीसस। उन लोग तो एक प्लेयर ऑलरेडी मर भी चुका है, रिवाइव करने का टाइम नहीं बचेगा बिकॉज दूसरी टीम उनके शायद रश कर सकती है। लेकिन लकीरी वो अभी भी थोड़ा दूर है, स्टेज के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे एक्शन शुरू हो गया। वापस डैमेज एक्सचेंज हो रहा है। बापोल उन लोग ने एक डिफेंड किया और उन लोग ने तीन प्लेयर नॉक कर दिया ओनली भाई के, पूरी टीम एलिमिनेट हो गई। फायरिंग कर रहे हैं, उनको बिजी रख रहे हैं, उनके बाकी टीममेट्स जोन के अंदर पहुंच के ऑलरेडी एटीपी किंग्स के फाइट लेने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि नंबर मैटर्स, वही चीज है यहाँ पे किंग्स स्क्वाड के साथ। अभी तक चारों के चारों मेंबर अलाइव है और बाकी कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो जिनमें चारों मेंबर हो। ये कि इनमें से जोन खत्म हो रहा है, अब देखना ये कौन सी टीम लास्ट तक सर्वाइव करती है। सारे ही प्लेयर्स के गन्स आउट है और ये रही टीम नाइटमेयर, लास्ट सर्वाइविंग टीम। थोड़ी देर बाद आपकी ग्लू वॉल जब टूटेगी तो आपको कहीं ना कहीं तो परमानेंट कवर ढूंढना पड़ेगा। और टीम नंबर 3 यहाँ पर जो डेविल डेड बनी हुई है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं दे रही आपको कि आप ज्यादा देर तक वहाँ पे स्टैंड कर पाए ग्लू वॉल के पीछे। तो वीआरसी 1000 को काफी डैमेज मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे इस पोजीशन से इनको आना नहीं चाहिए था। आप बिल्कुल ओपन में चले आए हो, आप सैंडविच बन सकते हो, बिल्कुल आप सैंडविच बन रहे हो। 3 उधर से आपको अटैक करती है, टीम नंबर 2 अगर चाहे तो इधर से नाइटमेयर आ सकती है, तो वहाँ पे आपके लिए क्रिटिकल कंडीशंस अराइज हो सकती है। वेल डेविल डैड को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अभी। उन लोग को एज ऑफ द जोन से पुश करने वाली है टीम नंबर 5 जो अभी फिलहाल तो काफी दूर है, लेकिन जब वो अंदर आएगी तब उन्हें दो तरफ एक युद्ध लड़ना पड़ेगा जो कि बहुत ही डिसएडवांटेजियस है। एडवांटेज की बात करें तो नाइटमेयर के पास ही सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, उनके पास घर भी है, परमानेंट कवर है, सामने एक एयर ड्रॉप भी पड़ा है और वो जोन के अंदर भी है। सो सारे ही फैक्टर्स उनके लिए चल रहे हैं। घर है वो ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और यहाँ पे ऑलरेडी फाइट शुरू। गबरू फ्रॉम डेजर्ट गॉड ऑलरेडी नॉक्स वन डाउन। बाइसन अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे ग्लू वॉल का इस्तेमाल करके, लेकिन प्लेजोन उन्हें वापस यहाँ पे पुश कर रहा है। मिस्टर विकास और उनके टीममेट्स प्लेजोन के दूसरे साइड पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी बॉट आर्मी का। ग्लू वॉल रख के उन्हें घर के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, लेकिन ये आइस शॉटगन और ये वारा वापस से फटका। मिस्टर विकास आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उन्हें अपने टीममेट को बचा लिया है फिलहाल के लिए, लेकिन नहीं ये होएगा टीम बॉट आर्मी एलिमिनेट यहां से। पर के अंदर चले जाएंगे। नो नो नो, मिस्टर विकास इतना ज्यादा डैमेज ले रहे हैं, बच गए नहीं। किंग एमके ने AK-47 से मिस्टर विकास को नॉक डाउन कर लिया है। उनके बाकी के दो टीममेट्स मारियो और साहिल नेगी आ रहे हैं दौड़ दौड़ के उन लोगों को बैकअप देने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो टाइम पे पहुंच पाएंगे। किंग एके उन्हें खत्म करने ही वाले हैं। शॉटगन के साथ उन्हें बाकी टीममेट से कांटेक्ट बना लिया। किंग एमके ने एक और नॉक कर दिया साहिल नेगी के ऊपर एके से, और ये क्या ट्रिपल किल निकाल पाएंगे? यस, किंग एमके ट्रिपल नॉक डाउन कर दिया है AK-47 और P90 के साथ, दो किल कंफर्म भी कर लिए। ये रहा तीसरा किल और उन लोग ने सिंगल हैंडेडली डेजर्ट गॉड्स को 3 मेंबर खत्म कर दिए हैं। कंटिन्यू करेंगे उनको चेस करने की, गबरू MP40 के साथ फाइट लेने की ट्राई करेंगे। वाइपर नो, उनके बुलेट्स खत्म हो गए 32 HP पे। वापस से खुद को बचा लिया कैसे ना कैसे करके ग्लू वॉल्स का इस्तेमाल करके, और उनने पूरा ही बाजा पलट दिया। वाइपर ऑलमोस्ट जीतने वाले थे लेकिन उन्हें नॉकआउट कर दिया। लकली बॉट आर्मी के UV आ चुके हैं उनके टीममेट को बचाने के लिए, रिवाइव कर दिया है, लेकिन मिस्टर विकास को रिवाइव करने के लिए कोई है नहीं वहां पे। यूवी उनके पास स्पाज है, प्लेज उनके बाहर रुक के उन पे शॉट्स लेने की ट्राई करेंगे। दो प्लेयर उनके स्क्रीन के सामने एक साथ आ गए, थोड़ा लैग हुआ लेकिन उसके बाद भी डेजर्ट गॉड्स वापस विक्टोरियस रही। गलती हो सकती है वहां पे मॉन्स्टर ट्रक, यही शायद गलती करी पैप्सोल का एक मेंबर हो चुका है डाउन। यहां पे बैंड ऑफ 50 पूरा मॉन्स्टर ट्रक से चल रहा है और देखना यह है क्या वो वहां पे रुकेंगे, बीच में रुके हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे डाउन किया पैप्सोल को ताहिर ने पूरी तरीके से डाउन किया, बहुत ही सही मूवमेंट है। थोड़ा सा खुद उतर गए और अपना जो मॉन्स्टर ट्रक था उनका मेंबर था उसको अलग चलने दिया। बट यहाँ पे देखे तो DG यानी कि डेजर्ट गॉड ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है। ब्रांड ऑफ 50 पूरी यहाँ पे सेफ है। पैप्सोल मुसीबत में है, एक जो उनके लूसीफर है वहाँ से निकल चुके हैं और रैंक मेंटेन करने की कोशिश करेंगे।